अगर आप अपनी ज़िंदगी से सहत ना खुश हैं और आपको लगता है कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी में जो खुशियां हैं वो आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं, दूसरे लोग आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, तो एक बार ये कहानी ज़रूर सुनिएगा और ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था और कौवे को तकलीफ़ क्या थी, कौवे को तकलीफ़ ये थी कि मेरा रंग काला है। एक दिन वो दरख्त पे बैठा रो रहा था, वहाँ एक बुजुर्ग इबादत कर रहे थे, उनके गाल पर आंसू का कतरा गिरा तो उन्होंने सर उठाकर देखा तो देखा कौवा था जो रो रहा था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? तो कौवे ने कहा, रो नहीं तो और क्या करूं, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, काला रंग है मेरा, जिस घर पर भी बैठूं काएं काएं करूं तो लोग उड़ा देते हैं, कितनी बुरी आवाज़ है मेरी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई नहीं पालता, और ये सब इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमको हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुज़ुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर ना हुआ और कौवे का रोना धोना बंद नहीं हुआ। बुज़ुर्ग ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन कौवा रोता रहा। फिर उन्होंने कहा, अच्छा रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या बनना चाहते हो, किसकी ज़िंदगी अच्छी लगती है, बताओ मैं तुमको वैसा ही बना दूँगा। तो कौवे ने बोला, घर ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनूँगा, क्या खूबसूरत रंग है उसका, सब उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। बुज़ुर्ग ने कहा, मैं तुमको आज ही हंस बना दूँगा लेकिन एक शर्त है मेरी, पहले उससे जाओ, जाकर उससे मिलो और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। कौवे ने कहा, ये क्या बात हुई, भला हंस अपनी ज़िंदगी से क्यों खुश नहीं होगा, वो यकीनन अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होगा। और कौवा उड़ा और उड़ते हुए हंस के पास जा पहुंचा और हंस से बोला, हंस भाई कितनी प्यारी ज़िंदगी है तुम्हारी, लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा रंग है तुम्हारा, सारा दिन पानी में तैरते रहते हो, कितनी मज़े की ज़िंदगी है तुम्हारी, तुम कितने खुश नसीब हो, तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश किस्मत परिंदे हो। हंस ने उदास लहजे में कहा, किसने कहा तुमको कि मैं खुश हूँ, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और फिर हंस बहुत उदासी के साथ बोला, सब परिंदों के इतने खूबसूरत रंग हैं, दूर में से किसी को नज़र ही नहीं आता, पानी से ये भी कोई रंग है, मेरा तो कोई रंग ही नहीं है, बाकी परिंदे कितने खूबसूरत नज़र आते हैं और मैं बेरंग हूँ। आप तोते को ही देख लो, कितने प्यारे रंग हैं उसके, नीला पीला लाल, लोग उसे कितना प्यार करते हैं, उसे पालते भी हैं, अपने घरों में रखते हैं, उसे मिठू मिठू बुलाते हैं और वो तो बातें भी करता है, सबका दिल अजीज़ परिंदा है, काश कि मुझे एक ज़िंदगी मिलती तो मैं दोबारा तोता बनना पसंद करता, ज़िंदगी है तो उसकी ज़िंदगी है। कौवा अब हैरान रह गया, तो क्या तुम खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज़ नहीं, इसमें खुशी की भला क्या बात है, मैं तो एक उदास परिंदा हूँ, अगर कोई खुश परिंदा है तो वो तोता है। कौवा उड़ा तोते की तलाश में और उड़ते हुए जंगल पहुँच गया।
कौवा तोते को ढूंढता रहा, काफी देर इधर से उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे तोता मिलता भी कैसे। दरख्त भी सब्ज और तोते का रंग भी सब्ज। काफी उड़ने के बाद और कोशिश के बाद कौवे को आखिरकार तोता मिल ही गया और कौवा तोते के पास जाकर बैठ गया। और कौवे ने तोते से पूछा कि भाई तुम तो बहुत खुश होगे अपनी ज़िंदगी में। तोता बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ। कौवा फिर हैरान रह गया और उससे पूछने लगा, क्या तुम भी खुश नहीं हो। तोता बोला, मुझ जैसी भी ख़राब ज़िंदगी किसी की होगी भला, खुद को ही देख लो। जहाँ जी चाहे उड़कर चले जाते हो, लेकिन मैं नहीं उड़ सकता, मुझे लोग पकड़ लेते हैं, छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं, मुझे कैदी बना लेते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, मैं सबसे छुपता फिरता हूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता। और तोता बहुत उदास हो गया और भी थोड़े वक्फे से बोला कि मुझसे बेहतर ज़िंदगी तो मोर की ज़िंदगी है, देख लो, वो भी बहुत खूबसूरत है, उसके भी कई रंग हैं, वो भी लोगों को बहुत प्यारा लगता है, लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीता है, कोई उसे कैद नहीं करता। अब कौवा सोच में पड़ गया कि हंस भी खुश नहीं, तोता भी खुश नहीं है, अब मैं क्या करूं। फिर उसने सोचा कि अब मैं मोर के पास जाता हूं और जाकर मोर से पूछता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ा मोर से की तलाश में। थोड़ा सा उड़कर ही कौवे को एक मोर नज़र आ गया और कौवे ने देखा कि वो मोर पर फैलाए घूम रहा था। बच्चे बड़े सब वहाँ इकट्ठे थे और उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे और मोर चूम रहा था। कौवा जाकर मोर के पास एक शाख पर बैठ गया और कौवे ने कहा, वाह मोर भाई, क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुशकिस्मत हो तुम, लोग तुम्हें एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, तुम तो हज़ारों लोग तुम्हें रोज़ देखने आते हैं, कितने खूबसूरत पर हैं और लोग तो इनके खुलने का इंतज़ार करते हैं, तुम्हारे साथ तस्वीरें खींचते हैं, तुम्हारी तो क्या ही शान है। ये सुनकर मोर उदास हो गया और मोर ने कहा कि तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ। मोर ने बहुत उदासी से कहा कि देखो मैं कैद हूँ, मुझे लोग देखने के लिए आते हैं, मैं सिर्फ उनके लिए एक तमाशा हूँ, वो मेरे जिस्म से मेरे पर नोचते हैं, ये खूबसूरत पर ही मेरे लिए मुसीबत की वजह है, वो इनको हासिल करना चाहते हैं, अपने घरों में रखना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, मैं तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजार सकता, मैं तो इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, भला मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मेरी तो अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी है ही नहीं, ना मैं अपनी मर्ज़ी से सो सकता हूँ, ना जाग सकता हूँ, और ना ही मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकता हूँ, मेरे यहाँ तो ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ लोगों को खुश करना है। अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले तो मैं तो कभी भी मोर बनना पसंद नहीं करूँगा। कौवा हैरत से उसकी बात सुन रहा था, उसने पूछा, तो क्या बनना चाहता है। तो मोर बोला, मैंने पूरा जू देखा है, मैं सब परिंदों से मिला हूँ, यहाँ पे हर तरह के परिंदे हैं, जानवर हैं, लेकिन सब परिंदों और जानवरों से मिलने के बाद मैंने यही देखा है कि वो सब कैद हैं, सब उदास हैं और सब नाखुश हैं, तो सिर्फ़ एक परिंदा ऐसा है जो जू में मौजूद नहीं है, जो कैद नहीं है। कौवा बोला, तो वो कौन सा परिंदा है। मोर बोला, वो कौवा है कौवा, वो तुम हो, ना कोई तुमको पकड़ता है, ना मारता है, ना कैद करता है, तुम आज़ाद हो,
जहाँ दिल चाहे चले जाते हो, जो जी चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी ज़िंदगी किसकी होगी, कवे की हैरत की अब इंतहा ना रही, उसने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। वो वहाँ से उड़ा और बाबा जी के पास आया। बाबा जी ने पूछा, हाँ भाई क्या फैसला किया है तुमने, क्या बनना है? तो कवे की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं कवा ही ठीक हूँ। और ये कहकर वो उड़ गया। वो अपने कवा होने पर बहुत खुश और मुतमईन था और वो अब अपनी सारी ज़िंदगी कवा ही रहना चाहता था। तो दोस्तों, हमारे ना खुश रहने की वजह भी यही है कि हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं। हम उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें देखते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और अपनी ज़िंदगी में जो नेमतें और खूबियाँ हमें मिली हैं वो हमें नज़र ही नहीं आती हैं। तो बेहतर यही है कि आप जिस हाल में भी हैं खुश रहें और कभी भी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर नहीं करें। खुदा ने कोई आपके जैसा पैदा नहीं किया, आप नायाब हैं। सो अपनी ज़िंदगी से खुश रहें, मुतमईन रहें।